Hello and very good morning to everyone. और ये दीपावली का पहला दिन है और सुबह जल्दी उठते हैं सभी लोग, तो वैसे मैं भी जल्दी उठ गई थी और अंधेरे में ही दिखाती हूँ कि कैसे लाइटिंग की है। तो वैसे मैंने जाली लगा रखी है हॉल के विंडोज़ के लिए क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही लाइटिंग चालू की ना तो बहुत अंधेरा था बाहर, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये रात को हमने दियो के लिए एक स्टैंड बनाया था तो वही साइड में रखा हुआ था, उसको ठीक करके लगा लिया। उसका भी DIY आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दिए कल के दिन के लिए लगाए थे तो सोचा उठने के बाद सबसे पहले दरवाजे में दिए रखती हूँ। तो इन दियों को घर में ही पेंट किया था हमने। और मार्केट में अगर आप पेंटेड दिए लेते हैं तो वैसे तो इतने महंगे नहीं होते, लेकिन जो बिना पेंट वाले दिए होते हैं ना उनसे तो महंगे ही होते हैं। तो इन दियों को मेरे बेटे ने पेंट किया था और कुछ दियों को मैंने पेंट किया था, तो बहुत सुंदर लगते। और घर में जब हम पेंट करते हैं दिवाली के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो वो साथ में बैठ कर करके एक अच्छा सा माहौल फील होता है दिवाली का। तो सुबह सुबह ही मैंने दरवाजे पर दिए लग दिए। ये पिछले दिन की रंगोली है, मुझे रंगोली निकालना बहुत पसंद है लेकिन आता नहीं है मुझे इतना। तो मैं जो मार्केट में मिलते हैं ना रेडीमेड डिज़ाइंस, जिसके ऊपर आप रंगोली स्प्रेड कर दो और डिज़ाइन बन जाती है। तो ये देखिए, ये दिए मैंने पेंट किए थे, ये मेरे बेटे ने पेंट किए हैं। तो और बहुत अच्छा लगता है, हम पेंट करते हैं ना तो अच्छा सुकून सा लगता है। तो सोचा चलो शांति में एक कप चाय पी जाए। बच्चे तो सो रहे थे, मैंने उनको नहीं उठाया जल्दी, तो बना ली मैंने शुगर वाली चाय, शुगर डाली थोड़ी। और अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, उठना बनाते हम लोग दिवाली के जो पहली अंगूर रहती है ना, मतलब अभ्यंग स्नान कहते हैं उसे, मॉर्निंग में जल्दी उठकर करते तो उसके लिए लगाते हैं। तो पहले के दिनों में क्या होता था, बहुत ठंडी होती थी तब लगाते थे, अब तो वैसे इतनी ठंडी नहीं होती है। तो उसको लगाने के लिए कोकोनट ऑयल में लगाते। पहले मेरी चाय रेडी हो गई तो मैंने सोचा चलो ये मेरे बेटे ने दूध के साथ कुछ किया है, उसको पनीर खाना पसंद है तो दूध में कुछ ना कुछ मिलाकर वो कोशिश करता है कि दूध फट जाए तो उसको पनीर मिलेगा खाने के लिए। तो चाय में देखिए छानने के बाद भी कुछ ऐसी लग रही थी लेकिन पीते वक्त ठीक ही थी। तो मैंने पहले चाय पी, शांति से बैठकर अंधेरे में ही पी और बहुत सुकून लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दिवाली आ गई और बहुत सुकून वाली दिवाली है, बहुत शांति वाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह फटाके भी लग रहे थे, फटाकों की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने नारियल फोड़ा और एक नारियल के दो पोर्शन किए, उसमें से एक पोर्शन का मैंने दूध निकाल लिया नारियल का, उसको ग्रेट करके मिक्सी में। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये उठने जो पाउडर लाई थी ना मैं मार्केट से, रेडीमेड मिलता है, बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, खुशबूदार होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल बहुत मिलावटी मिलता है और इतनी खुशबू भी नहीं आती उसमें। तो इसको मिलाकर थोड़ा सा ही इसको गर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऑयल कोकोनट ऑयल कोकोनट मिल्क है ना तो ऑयल रिलीज़ कर देता है इसके लिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने गर्म किया और साइड में रख दिया कि जैसे ही बच्चे उठ जाएंगे तो उनको लगाएंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे तो मम्मी लगाती थी। और बालों के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया। यहाँ पर मैंने बेटी को मैंने ड्यूटी दी थी कि चलो कुछ तैयारियों में हेल्प कर दो मेरी, तो वो करती है, मेरा बेटा कभी कभी करता है, नहीं तो मस्ती करके काम फैलाता ही है ज़्यादा। तो ये देखिए एक अच्छा सा एक मार्केट से लेके आई थी मैं, तोरण वगैरह लगाते हैं ना, तो मेरी बेटी ने बोला कि यहाँ पे लगाते हैं भगवान की फ्रेम के लिए तो अच्छा लगेगा। तो तब तो अच्छा लग रहा था। और फिर फूलों के जो प्लास्टिक के फूल आते हैं ना उनकी माला लेकर आई थी, वो भी इसने डबल साइडेड टेप से चिपका दी। डबल साइडेड टेप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा होता है लेकिन कभी कभी तो चिपक जाती है, कभी तो नहीं चिपकती है। तो ये उसने लगा ली लेकिन शाम तक वो निकल चुका था, लेकिन अभी देखिए लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रहे था, बहुत फ्रेम वगैरह माला अच्छी लग रही थी लेकिन चिपक ही नहीं रही थी, बहुत बार गिरी। तो फिर हमने सोचा शायद पापा को ही पसंद नहीं है, तो इसको मैंने दूसरे दिन निकाल दिया, क्योंकि बार कितनी बार लगाया फिर भी निकल ही रहा था। और फिर
बेटी दिखा रही है दिए, मैंने पहले दिखा चुकी हूँ, ये मैंने पेंट किए हैं। एक प्लेन कलर दिया, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर से गोल्डन टच दिया। ये थोड़ा सा डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाए ड्राइंग मेरे बेटे ने की है। और ये कपड़े बहुत सुंदर है, और ये भी गणपति पापा की ड्राइंग, देवी मैया की ड्राइंग मेरे बेटे ने की, उसे अच्छा लगता है। लेकिन मोबाइल में घुसे रहते हैं आजकल बच्चे, तो ड्राइंग वगैरह करते नहीं हैं। फिर मॉर्निंग में सब नहा धो के अच्छे से मैंने पापा के लिए सफ़राल जो हम लोग बनाते हैं दिवाली का, तो वो एक प्लेट में भर के पहले पापा को भोग चढ़ाया, फिर उसके बाद हम लोग बैठे खाने के लिए सब साथ में। और फिर मैंने ली गर्मा गर्म चाय, और अपने लिए अलग से प्लेट में चिवड़ा ले लिया, क्योंकि ज़्यादा तो मैं चिवड़ा ही खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरनून के लिए बस सिंपल सा बनाया था कि जो बच्चों को पसंद आए। तो मैंने अपना वेज कोल्हापुरी होता है ना, पनीर वगैरह डाल के अच्छे से उसको वेज कोल्हापुरी बनाई थी। और घर पे ही मैंने जो रोटी नान वगैरह होती है ना, तो वैसे ही मैंने नान बनाए थे, सेके थे घर पे, और उसमें कलौंजी वगैरह डाल के गर्मा गर्म बहुत अच्छी टेस्टी बने। फिर दोपहर को ही मैंने दरवाजे को अच्छे से बाहर से क्लीन किया और वहाँ पे रंगोली बनाई, ताकि शाम को दिए रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी पूजन होता है तो दरवाजे में लक्ष्मी के जो पैरों की रंगोली होना, ऐसा कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा होता है, रंगोली होनी चाहिए लक्ष्मी के पैर जो आपके घर के अंदर आ रहे हैं वैसे। तो मुझे, मैंने पहले बताया कि इतनी अच्छी तो आती नहीं रंगोली बनाना, तो जो रंगोली की जो रेडीमेड साँचा मिलता है ना, तो उसमें मैं पाउडर भर के कलर्स ऐसे बना लेती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने आफ्टरनून में बना लिया। और फिर ये मेरी बेटी बीच बीच में वीडियो शूट कर रही है और मुझे पता भी नहीं है। उसको मैंने बोला था दिए वगैरह सब रेडी करके रखो, ताकि शाम को अच्छे से लगा सकते हैं। थोड़ी सी मैं लक्ष्मी पूजा के लिए रेडी कर रही थी, घर के अंदर ही मैंने घी वाला दिया बनाया है, और एक झाड़ू का भी हम पूजा करते हैं क्योंकि लक्ष्मी होती है, तो उसकी भी दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा होती है। और बेटी को मैंने साइड बाय साइड काम पे लगा दिया है और वो करती है खुशी से अच्छे से। तो ये दिया देखिए, इसको कलर पेंट करके इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो ही मत, ऐसे नहीं लग रहा था कि ये घर में बनाया हुआ है, मार्केट से लाते तो वैसे ही लग रहा था। तो ये इसको बनाया, इसका भी मैंने DIY अभी शेयर नहीं किया है, करूँगी मेरे चैनल पर, तो उसको भी प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस बहुत अच्छा लग रहा था, इसके अंदर थोड़ा बीच में थोड़ा सा पानी भर के फूल वगैरह डाले। इसको घर के अंदर भी रख सकते, लेकिन फ़ैन चालू होता है, दिवाली है लेकिन ठंडी तो नहीं है, पहले होती थी अब तो नहीं है। तो इस फिर इसको दिए के स्टैंड जो मैं हमने बनाया ना, उसको बाहर ही रख दिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं घर में पेंट करती हूँ ना, हर साल तो नहीं बनाते हम घर में दिए, लेकिन अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है 2-3 साल से कि हम लोग घर में दिए लेकर आते हैं और बनाते हैं। तो शाम को दिए लगाए थे दरवाजे में कि मैया पधारे तो खुश हो जाए देवी मैया की, चलो मेरे स्वागत की। बहुत अच्छी तैयारी की है, और ये मैंने शाम को बिछा दिया, थोड़ी सी गौ माता की पूजा की, और थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे कि चलो फ़ोटोज़ निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो याद रहेंगे कि पिछले साल क्या पहना था, कैसे पहना था, हम लोग कैसे लग रहे थे। तो मैं ऐसे ही, मैंने गोल्डन कलर की देखी साड़ी पहनी थी, ऑर्गेन्जा की है, बहुत ही अच्छी साड़ी, मुझे मतलब हल्की फुल्की सी है, कॉस्ट में भी ज़्यादा हेवी नहीं है। और थोड़े से बालों को ठीक किया मैंने, मोती वाले झुमके पहने थे, एक सिंपल सा एक चोकर लेकर आई थी मार्केट से मैं। और ये मेरी गोल्डन साड़ी का लुक है। तो देखिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।